अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। क्वेटा के यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत जारी बलूचिस्तान हैंडबॉल सूबाई लीग की इख्तितामी तकरीब मुनक्कित की गई। इस मुनक्कदा इख्तितामी तकरीब में टीमों ने मार्च पास्ट का मुजाहरा किया, जिसके बाद मर्द और खवातीन के माबेन नुमाइशी मैचेस भी खेले गए। तकरीब के मेहमान खसूसी ने टैलेंट को तलाशने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। यूथ को इंगेज करने के लिए और अच्छा टैलेंट बाहर निकालने के लिए, उभारने के लिए एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें प्योरली ऑन मेरिट बच्चे आएंगे। इस तरह ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हुआ हैंडबॉल का, ये वक्त की ज़रूरत है। जो हमारे मेल फीमेल तमाम बलूचिस्तान से टीमें बनी थी, और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये अपना रंग लाएगी। मेहमान खसूसी ने कामयाब टीमों के खिलाड़ियों में कैश इनाम, मेडल्स और ट्रॉफी तकसीम की। इस मौके पर खिलाड़ियों की खुशी तीतनी थी। इनका कहना था कि इन्हें अपनी मेहनत का सिरा मिल गया, आगे कौमी चैंपियनशिप में सुबह का नाम रोशन करेंगे। जीत कर हमें बहुत खुशी हुई कि हम क्वेटा वालों ने ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी मिली है और मेडल्स भी मिले, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह इवेंट होना चाहिए, तो फाइनल भी हम लोगों ने जीत लिया। क्वेटा ने ट्रॉफी भी अपने नाम कर दी है और हमें मेडल्स भी मिल गए हैं, अल्लाह का शुक्र, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। खवातीन में गोराई ने पहली, क्वेटा ने दूसरी और सिपी ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि मर्दों में मेज़बान टीम क्वेटा ने पहली, पुजदार ने दूसरी और गोराई ने तीसरी पोजीशन हासिल की। महक शाहिद, क्वेटा।